और मैं सबको बोलते हैं मैथ का सुनाऊंगा। अब देखिए जैसे तीन चार पांच की क्लास में हम कैसे बच्चे तो जानते भी है एलसीएम और मैथ्स का क्या होता है। जैसे तुम्हारे साइंस सिक्स को हम इसमें रखते हैं और फोर को हमने इसमें रख दिया, मतलब फोर और सिक्स का जी हमको चार और छह का हमको एलसीएम और मैथ्स का निकालना है। हम कैसे निकालना है देखिए, अब जैसे सिक्स है, अब हमको ये सिक्स पर ले जाना है, ये सिक्स पर हो गया, ये फोर पर हो गया, ये सिक्स पर हो गया। अब देखिए ये पत्ती बड़ी है, ये पत्ती बड़ी है ना, और ये सिक्स है, तो यानी हमको अभी इसके बराबर लेना, चार दूनी आठ, इसको हमें चार आठ को ले जाना, इसके दूने इसका दूना हो गया चार का आठ। अब ये जो सिक्स है, अब सिक्स के हमें दूना करना है, छह दूनी बारह। अब देखो ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी, अब हमको चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, अब हमको सोलह पे ले जाना है इसको, और नीचे वाली बड़ी हो गई, अब हम चार चार दूनी आठ, वो छह छह वो छह पता ना, छह छह दूनी बारह, और छह दिया अठारह, अठारह पे ले जाओ उसे, अठारह पे हो गया। अब देखो ये हो गया, अब ये सोलह हो गया, चार चौक सोलह, चार चौक सोलह और चार पंजे बीस, इसे बीस पे ले जाओ, चार पंजे बीस हो गया। अब देखो ये ज्यादा हो गई, अब छह दून बारह, छह अठारह से चौक चौबीस पे ले जाओ, अब ये कमर हो गई। अब ऐसे चार दून आठ, चार तिया बारह, चार सौ सोलह, चार पंजे बीस, चार छक्के चौबीस, जब तक हमारे ये इक्वल नहीं हो जाए तो अब हम कहेंगे बच्चे से, अब देखिए इनमें बराबर कौन कौन सी संख्या आ रही है, चार और छह का एलसीएम हो गया हमारा चौबीस चौबीस, तो इसका एलसीएम हो गया चौबीस, ठीक है। अब देखिए जो तो हो गया एलसीएम, अब निकालते हैं इसका मसापा, मसापा कैसे निकालते हैं, अब हमको क्या करते हैं, और इसी को हम लेते हैं सिक्स पर हो गया। अब देखिए मसापा क्या करते हैं, ये फोर है, ये सिक्स है, अब इसमें बच्चे से पूछेंगे इसमें से कौन सी संख्या ज्यादा है, संख्या कौन सी ज्यादा है, अंक, यानी संख्या नहीं अंक, अंक कितना ज्यादा, सिक्स ज्यादा है ना, ये चार है, तो इसमें से कितना कम करें, सिक्स में से फोर घटाओ, तो इसमें से तो घटाएंगे, ये ज्यादा है, इसमें तो घट नहीं सकती है, तो सिक्स में से फोर घटा दो, कितने पे आ गई है, टू, टू कम करना है ना, टू कम करना है हमको, टू कम करना, हाँ सिक्स में से टू कम करो, ठीक है। अब देखो ये फोर है, अब इसमें से टू कम करना है, इस फोर में से ये कम करना है टू, अब देखो इसमें से इक्वल कौन सा आ रहा है, टू, तो चार और छह का मसापा हो गया टू, ऐसे ये इस गतिविधि से हम इसको समझा सकते हैं, मसापा और लसापा। ताली बजाओ तेजी से।